टाइटैनिक, जिसका दूसरा नाम सपनों का जहाज भी था, 14 अप्रैल 1912 को अटलांटिक ओशन में डूबी थी। पर क्या आपको ये पता है कि आज 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, बहुत सारे रिसर्चेस भी किए जा चुके हैं, मगर आज भी टाइटैनिक को अटलांटिक ओशन से बाहर क्यों नहीं निकाला गया? इसके 4 मेन रीजन है। पहला रीजन, टाइटैनिक 1,43,000 टन भारी है और साथ ही साथ पानी के 3,750 मीटर अंदर है। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा है कि वहां से टाइटैनिक को निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। दूसरा मेन रीजन, जितना खर्चा टाइटैनिक को बाहर निकालने में आएगा उतने में एक नई क्रूज शिप, इनफैक्ट टाइटैनिक से बड़ी, बनकर तैयार हो जाएगी। तीसरा मेन रीजन, बोट इस समय तक काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी आयरन ईटिंग बैक्टीरिया से। चौथा, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, बोट को अब कभी बाहर नहीं निकाला जाएगा क्योंकि 2001 में अंडर यूनेस्को इसे अंडर वाटर कल्चरल हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया है और अब ये एक प्रोटेक्टेड साइट है। थैंक यू सो मच।